गौवा हमार बड़ा प्यारा लागे, बहुते इन्यारा लागे हो। चारों तरफ खुशहाली के नजारा लागे हो। यहाँ सुल्तानपुर के हलियापुर गांव में हम आए हुए हैं। सुल्तानपुर को कुशभवनपुर भी कहते हैं। यहाँ हलियापुर गांव में हमने सुना है कि चौपाल लगी हुई है, तो आइए चलकर देखते हैं कि चौपाल में लोग क्या कुछ बातचीत कर रहे हैं। हलियापुर में चौपाल लगी हुई है, तो सबसे पहले यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, इनसे माता जी से हम बात करते हैं। ये बताइए कि कुछ लाभ वगैरह आपको मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। क्या क्या मिला है? मिला है हमका पेंशन मिली है, लेटरिंग। कौन दे रहा है? दे रहे हैं योगी मोदी। खेती किसानी बढ़िया चल रही है? जब से जो है मोदी सरकार आई, योगी सरकार आई, तब से हम लोगों को खाद बीज सही दर पे मिला है, हमेशा मिला है, उपलब्ध है हमेशा के लिए। पहले उपलब्ध नहीं होता, पहले बड़ी दिक्कत होती थी। पहले जो यूरिया होती थी वो ब्लैक हो जाती थी, हम लोगों को ब्लैक में खरीदना पड़ता था। जो आज हमको 290 रुपए मिला, पहले हमको 700 रुपए 500 रुपए मिलता था। किसान सम्मान निधि मिल रही है, हर चौथे महीने हम लोगों को मिल जाती है, खाते में आ जाती है। सरकार करे फसलों का बीमा, बचाए कुदरत कहर से, चारों दिशाओं में खुशहाली, चारों दिशाओं में खुशहाली, लौट चलेंगे फिर से, आओ लौट चले गाँव में, ओ आया दौर है फिर से, चलो लौट चले गाँव में। गांव में सड़क वड़क अच्छी है? सब कुछ यहाँ फर्स्ट क्लास है, मतलब हॉस्पिटल है, हर चीज है, पशु चिकित्सालय है। और अब सब जब से योगी और मोदी आए हैं तब से फर्स्ट क्लास चल रहा है। आपके गांव में आप क्या परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? नाली है, सड़कें हैं, यहाँ पे गौशाला भी है। आपके पास कोई रोजगार वगैरह है क्या? इस ग्राम सभा में पंचायत सहायक के पद पर कार्य कर रहे हैं। तो क्या क्या काम करते हैं आप? जो लोग आते हैं हमारे पास उनका आय जात निवास बनाते हैं, और पेंशन और राशन कार्ड और बाकी सेवाएं जो भी हैं। गांव में कुछ रोजगार वगैरह के लिए भी व्यवस्था बा की ना? व्यवस्था तो बहुत ही है, लेकिन हम लोग तो भाई समूह से नहीं है। तो समूह में क्या काम करती है? हम कृषि सखी पर कर रहे हैं। खेती किसानी से महिलाओं को जोड़ती है क्या? हाँ, जोड़ते हैं और प्रशिक्षण देते हैं कि हाँ भाई अपने अपने खेत की मिट्टी जांच कराओ, और उसके बाद में किचन गार्डन लगाओ, घर में सब्जी उगाओ। कुछ सुविधा उधर मिलत बा कि ना? हाँ साहब, कॉलोनी मिली है। तो पहले घर नहीं था क्या आपके पास? नहीं, घर नहीं रहे, कच्चा रहे है। तो फिर कैसे मिला ये मकान? ये हमें मिला मोदी सरकार के। हाँ। वो हमें मिला। बता रही है कि इनको मकान मिला है? हमको मिला है भैया। राशन मिला था कि ना? हर महीना मिला था। पहले मिलत रहा का टाइम से? नहीं, पहले नहीं मिलता रहा। अब जब से मोदी योगी के सरकार भाई तब से मिले लाग सारी सुविधा, पेंशन पाई थे। स्वच्छ प्रदेश बनाए हम, कहीं गंदगी नहीं रही, स्वच्छ हवा और स्वच्छ जल, सबको ऐसा उपकार मिले, घर घर खुशहाली आई है, हर क्षेत्र में हर बेच में घर घर खुशहाली आई है। बेटियां पढ़ने लिखने जाती है, उनकी सुरक्षा कैसी है? सुरक्षा पहले से बहुत बेहतर है। पहले क्या दिक्कत थी? कुछ दिक्कत पहले मनचले लोग छेड़ते थे, छाड़ते थे, अब सब सामान्य रूप से आती हैं, जाती हैं, किसी को कोई कुछ कहता नहीं है। ये योगी और मोदी की सरकार है। आपके यहाँ विद्यालय कैसा है? जूनियर, प्राइमरी, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, आईटीआई, एक किलोमीटर के दायरे के अंदर में दो दो डिग्री कॉलेज। बहुत बढ़िया बात है। शिक्षा के क्षेत्र में तो अग्रसर ही है हलियापुर। गाँव में आपकी कौन कौन सी योजना कहाँ आ रही है? 500 प्रधानमंत्री आवास 7 साल के अंदर जनता को मिला है, 114 मुख्यमंत्री आवास मिला है, और विधवा, वृद्धा, दिव्यांग इन लोगों को पहले सरकारें जब रहती थी तब 400 रुपये पेंशन थी, जब से मोदी जी योगी जी की सरकार आई है इनकी बढ़ा के पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिए हैं। पहले ग्राम पंचायतों में पैसा उतना नहीं आता था, न केंद्र वित्त में न राज्य वित्त में। हाँ। जब से ये सरकार आई केंद्र वित्त और राज्य वित्त में इतना पैसा आता, 7 साल के अंदर ग्राम पंचायत हलियापुर के ग्राम हलियापुर में आप समझिए 99% सीसी और इंटरलॉकिंग हुई, जबकि 7 साल पहले इस गाँव में 1 सीसी 1 इंटरलॉकिंग नहीं थी। महिलाओं की समस्याओं के निवारण के लिए मिशन शक्ति की बात होती है, महिलाओं के जीवन में कुछ परिवर्तन देखते हैं आप? नहीं, परिवर्तन बहुत आया है। अब महिलाएं बाहर जाती हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है उनको। दिक्कत अगर हुई भी
तो सबके पास मोबाइल होता है, तुरंत फोन करें, 5 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है। अच्छा, महिला पुलिस कांस्टेबल आप लोगों के गांव में आती हैं? जी जी, आती रहती हैं, जो विद्यालय हैं उनमें भी जाती हैं, उनको बताती हैं कैसे क्या करना है, आपको ये भी टिप्स देती हैं। क्या क्या बातचीत आप लोग यहाँ करते हैं चौपाल पर? अब यहाँ पर हम लोग गांव के विकास के बारे में बात करते हैं, जैसे नाली कहीं जाम हो गई तो उसके लिए बात होता है कि इसकी सफाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी। खास करके स्वच्छता, ये जब से मोदी और योगी सरकार आई है। और योजनाएं सब आती है कि नहीं? सारी योजनाएं आती है हमारे यहाँ। हमको 2000 रुपए सम्मान निधि मिलती है, अंत्योदय कार्ड भी हमारा है, कॉलोनी भी मुझे मिली है। ये चाचा बता रहे थे कि इनको तो बहुत कुछ मिला है। हमको भी मिला है सर। क्या क्या मिला है? हमें भी कॉलोनी मिली है, शौचालय मिला है हमको, हमारे घर की बहन बेटियां बाहर नहीं जाती हैं। चौपाल पर जिस तरह से हलियापुर के लोगों ने यहाँ का हाल बताया, उससे एक बात तो साफ है कि लोगों को किसान सम्मान निधि से लेकर शौचालय और बहुत सारी चीजें मिली हुई है। यहाँ का हाल बहुत ही जबरदस्त है। अब हम अगले गांव में चलेंगे और वहां देखेंगे कि चौपाल पर क्या हो रही है चर्चा।